प्रयागराज, जिस शहर को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक शहर है, जिसे तीर्थों का राजा अथवा तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं, जिसका पौराणिक नाम प्रयाग है। यहाँ हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ और हर 12 वर्षों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। आज हम जानेंगे प्रयागराज में घूमने की 10 सबसे बेहतरीन जगहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, मिंटो पार्क। मिंटो पार्क, या जिसे मदन मोहन मालवीय पार्क भी कहते हैं, इलाहाबाद का एक हरा भरा बाग है। ये पार्क यमुना के किनारे शहर के दक्षिण भाग में स्थित है। नंबर 9, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद का हाई कोर्ट न्याय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण भवन है। ये इमारत न सिर्फ अपने न्याय प्रणाली के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी वास्तुकला इतिहास में भी खास महत्व रखती है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट 1869 में बनकर तैयार हुआ था। नंबर 8, नया यमुना ब्रिज। 1.5 किलोमीटर लंबा इलाहाबाद का नया यमुना ब्रिज इलाहाबाद की मॉडर्न झलक दिखलाता है। इस महाकाय 6 लेन वाले ब्रिज का निर्माण 2004 में पूरा हुआ था। नंबर 7, आनंद भवन और जवाहर प्लेनेटोरियम। आनंद भवन भारत के नेहरू खानदान का एक पूर्व निवास है, जिसको कि अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई अहम एवं रोचक चीजें मौजूद हैं। इसके निकट ही जवाहर प्लेनेटोरियम भी है, जो आपको बेहद पसंद आएगा। नंबर 6, ऑल सेंट्स कैथेड्रल। इलाहाबाद में 31 मीटर की ऊंचाई के साथ बुलंदी से खड़ा हुआ ऑल सेंट्स कैथेड्रल एक भव्य गिरजाघर है। इस चर्च के निर्माण में 13वीं सदी की बौद्धिक वास्तुकला झलकती है। इस जगह पर क्वीन विक्टोरिया को समर्पित मेमोरियल भी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क, जिससे आपको वीडियो मिल सकेंगे हमारे सबसे पहले। नंबर 5, इलाहाबाद संग्रहालय। इलाहाबाद के संग्रहालय में आप इतिहास, संस्कृति, परंपरा और भारत की आज़ादी से जुड़े कई जरूरी तथ्य जान सकते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई पत्थर की कारीगरी, राजस्थान की सूक्ष्म पेंटिंग, कौसाम्बी का टेरेकोटा और बंगाली साहित्य देखने योग्य हैं। नंबर 4, इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला अकबर के राज में बना सबसे बड़ा और भव्य किला है। 16वीं सदी में बने इस किले को देखने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इस किले से गंगा यमुना का एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। इस किले के समीप ही अशोका का स्तंभ भी मौजूद है। नंबर 3, खुसरो बाग। खुसरो बाग एक मुगल गार्डन है, जिसके अंदर खुसरो मिर्जा का मंत्र स्थित है, जो जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे, और साथ ही एक मकबरा भी है। जहांगीर की पहली बीबी शाह बेगम का ये बाग 40 एकड़ में फैला हुआ है। नंबर 2, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। इस पार्क को एल्फ्रेड पार्क और कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये वही पार्क है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने 1931 में वतन के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। इस सूची में पहले बताया गया इलाहाबाद संग्रहालय इसी पार्क में स्थित है। नंबर 1, त्रिवेणी संगम। इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। हालांकि सरस्वती नदी का सिर्फ इतिहास में वर्णन है और कहते हैं कि वो कई सदियों पहले सूख चुकी है। त्रिवेणी संगम की बहुत धार्मिक प्रतिष्ठा भी है और यहाँ पर डुबकी लगाने से कहते हैं कि सारे पापों का नाश हो जाता है। इलाहाबाद में इन 10 जगहों के अलावा आप स्वराज भवन, हनुमान मंदिर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और हर 12 सालों में एक बार आयोजित होने वाले कुंभ मेले को देखने जा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।